बच्चों नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 15 एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 10। एनसीईआरटी क्लास 10 का एग्जांपल नंबर 1 हम इस वीडियो में करेंगे। एग्जांपल 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। क्वेश्चन कहते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग हेड। एक कॉइन को टॉस किया जाता है सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम। एक कॉइन को अगर हम एक बार टॉस करते हैं तो कितनी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, एंड आल्सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। हेड और टेल दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो यू नो जब हम किसी कॉइन को वन टाइम उछालते हैं, एक बार उछालते हैं, ओके, तो विदर विल गेट हेड और टेल, या तो हमें हेड मिलेगा या टेल। ओके, आउटकम्स दो ही हैं, हेड और टेल। ओके, एक बार जब हम उछालेंगे सिक्के को तो हेड, वेदर वी विल गेट हेड और टेल, क्योंकि हमारे पास आउटकम दो ही हैं। सो जस्ट लुक हियर बच्चों, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू टू। टोटल आउटकम्स कितनी हैं, एक बार क्वाइंस को अगर हम टॉस करते हैं तो हमें दो आउटकम्स मिलते हैं, हेड एंड टेल। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू टू, एंड नंबर ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू वन। और ये हेड कितनी बार आने की चांस है, एक बार अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो एक ही बार आ सकता है। ओके, प्रोबेबिलिटी वन है। ओके, गेटिंग ना, सो नंबर ऑफ गेटिंग हेड इज वन, एक बार आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जस्ट लुक हियर, नंबर ऑफ गेटिंग वन हेड आने का। ओके, सो वी विल राइट डाउन हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां हमें इस क्वेश्चन में हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, मींस जो आउटकम हमें चाहिए वो क्या है, यहाँ पे हेड आउटकम चाहिए हमें, तो हेड कितने बार आया है यहाँ पे, वन। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज वन, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टू। सो वन बाय टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज वन बाय टू, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन बाय टू। सिमिलरली उसी तरह से क्वेश्चन में ये भी कहते हैं डेट वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये भी हमें फाइंड करने हैं बच्चों। सिमिलरली वी विल राइट ऑन हियर नंबर ऑफ कमिंग टेल। जब हम किसी कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो वेदर वी विल गेट हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल। ओके, सपोज द टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारा, मीन्स टेल सपोज एट वन टाइम आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितनी है, वन। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वी हैव टू, सो वन बाय टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज वन बाय टू, टेल आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता कितनी है, वन बाय टू, एंड दिस इज आवर आंसर। बहुत ईजी है।